क्या कोरोना वैक्सीन पर रूस को मिल गई है बड़ी कामयाबी? जी हाँ, एक ऐसा सवाल है जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2020 की शुरुआत से ही कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में कोरोना वायरस की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सभी को इंतज़ार था कि कोरोना महामारी की दवा कब आखिर इजाद हो पाएगी, लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है कि रूस ने अब कोरोना महामारी की दवा का इजाद कर लिया है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया कि यह दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतने नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। इसी के साथ ही समाचार एजेंसी AFP की जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। मंगलवार को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार दे दिया है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाया जाएगा। जानकारी देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। भी जानकारी देना चाहेंगे कि दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का कई जगह ट्रायल चल रहा है। WHO के मुताबिक करीब 100 से अधिक वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चीन, रूस, भारत जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है। ये वैक्सीन बनाने की दूसरी स्टेज होती है और ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी भारत को भी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर रूस की ओर किया गया यह ऐलान सही साबित होता है और WHO की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है, तो दुनिया भर के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसी के साथ ही अगर रूस में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो यहाँ करीब 9 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। रूस में 15,000 के करीब लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रूस उन बड़े देशों में शामिल है जहाँ सबसे अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं। रूस में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने यही आ रही है कि रूस ने अब संपूर्ण कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। अगर ये सच साबित होता है और WHO से अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है, तो ये दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आपको इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।